एक शेर, एक लोमड़ी और एक गधा। एक दिन जंगल का राजा शेर अपनी सलाहकार लोमड़ी के साथ शिकार पर गया। उसने एक गधे को वहां से जाते हुए देखा। लोमड़ी ने शेर से कहा, महाराज, अगर आप गधे को ये संदेश भिजवाएंगे कि आप उसे संधि करना चाहते हैं, तो वो आपकी गुफा में खुद ही चला आएगा। अरे गधे जी, हम आपसे दोस्ती करना चाहते हैं, क्या आप हमारे महल में आएंगे? वहां हम संधि करेंगे और आपके लिए बोझ की व्यवस्था भी की जाएगी। शेर की बात सुनकर गधा फूला ना समाया। वक्त पर वह शेर की गुफा में पहुंच गया। शेर ने एक ही झपटे में उसकी गर्दन दबाकर उसे ढेर कर दिया। शेर ने फिर लोमड़ी से कहा, जरा इस पर नजर रखना, मैं जरा एक चक्की लेकर आता हूँ, उसके बाद रात्रि भोज में इसे परोसना। कहकर शेर चला गया। लोमड़ी काफी चालाक थी, उसने गधे का दिमाग निकाल कर खा लिया। शेर जब चक्की लेकर आया तो देखा कि गधे का दिमाग बोझ में नहीं है। उसने लोमड़ी से घुरा कर कहा, ये क्या सलाहकार, इसके सर में तो दिमाग ही नहीं है। लोमड़ी ने हंसते हुए कहा, महाराज, अगर इसके दिमाग होता तो ये आपकी बातों में कभी नहीं आता, गधों में दिमाग नहीं होता है। लोमड़ी की बात सुनकर शेर मायूस हो गया और बिना दिमाग के गधे का बोझ करने लगा। सीख: इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि चतुर व्यक्ति के पास हर सवाल का जवाब होता है और वो अपनी चतुराई से किसी को भी अपनी बातों में ले आता है।